लोकसभा चुनाव के बाद यूपी का रिजल्ट बीजेपी के लिए झटका था, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव रिजल्ट के बाद नो डाउट अखिलेश यादव जी का कद सियासत में बड़ा हुआ, क्योंकि ये लगातार हार पर हार के बाद उनके नेतृत्व में जीत हुई है, और जीत तो जीत होती है, लेकिन इस जीत के बाद दिल्ली में ये नैरेटिव अभी तक चल रहा है कि मोदी को झुका दिया, और लखनऊ में नैरेटिव चलने लगा कि योगी को परास्त कर दिया। लेकिन परसेप्शन की इस लड़ाई का नेक्स्ट फेज आ गया। लखनऊ में योगी ने इस बदलते नैरेटिव को सीरियसली लिया, और उसके बाद राउंड पर राउंड फायर राउंड चलता रहा। अखिलेश वर्सेस योगी के पिच पर यह फायर राउंड की चर्चा सिर्फ यूपी में ही नहीं, पूरे देश में है। हिंदुत्व पर योगी आदित्यनाथ का यह संदेश है कि बटेंगे तो कटेंगे, और अखिलेश पर यह सीधा हमला है कि जिन्ना की आत्मा घुस गई है, लाल टोपी काले कारनामे हैं। ये सब कुछ ऐसा असर दिखा रहा है कि अखिलेश यादव अब योगी की पुलिस के एनकाउंटर में भी जाति गिनवा रहे हैं। 2027 में समाजवादी सरकार बनने पर बुलडोजर गोरखपुर की ओर मोड़ देने की बात तक कर रहे हैं, और तो और योगी आदित्यनाथ को कभी दिल्ली भेज रहे हैं तो कभी उनकी अलग भारतीय जोगी पार्टी बनवा दे रहे हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ अक्सर कहा करते हैं गर्मी शांत कर देंगे। सवाल पब्लिक का है कि क्या योगी के ताबड़तोड़ फैसलों वाले फायर से अखिलेश यादव की सियासी गर्मी शांत करने की कोशिश हो रही है? आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ चाहे अखिलेश हो, राहुल गांधी हो या अन्य कोई विपक्ष का नेता, उनके पास ले देकर एक जाति का कार्ड है जिसे फिर से भुनाने की भरपूर कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी अपने हार्डकोर हिंदुत्व पर तेजी से लौटती दिख रही है। अब सवाल है कि क्या योगी ने बीजेपी की असली पहचान हिंदुत्व पर फिर से सीधी लाइन लेकर जाति के तराजू को चुका दिया, और अखिलेश राहुल तेजस्वी के जाति वाले दाव में सबसे बड़ा रोड़ा योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं? सवाल पब्लिक का आज यही है। और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरी दाहिनी तरफ शहजाद पूनावाला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और उनकी दाहिनी तरफ हर्षवर्धन त्रिपाठी, मेरे साथी वरिष्ठ पत्रकार, और मेरी बाईं तरफ अजय वर्मा जी, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और राजकुमार भाटी जी का तो खास स्वागत है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। और आज स्टूडियो में है, आज मेरी कितनी क्लास लेंगे ये कुछ एक राउंड के बाद पता चल जाएगा। और उनके साथ विवेक श्रीवास्तव जी, लेफ्ट पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं लेकिन कहते अपने आप को राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। इससे पहले कि मैं फायर राउंड की तरफ चलूं, मैं पूछना चाहती हूं शहजाद पूनावाला, ये पूरा जो योगी वर्सेस अखिलेश का मामला चल रहा है, ये क्या आने वाले समय में देश की राजनीति का जो डायरेक्शन है वो तय करेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद एडवांटेज अखिलेश, डिसएडवांटेज बीजेपी था, तो क्या इसीलिए फायरिंग कुछ ज्यादा हो गई है योगी की तरफ से, ताकि लाइन सेट कर दी जाए और जाति का काट हिंदुत्व में फिर से लौट कर आ जाए? देखिए नाविका जी, राष्ट्रवाद बनाम जातिवाद ये हमेशा से देश की दिशा और दशा को तय करते आ रहा है, और इसीलिए अगर आप कहती हैं कि योगी बनाम अखिलेश यादव जी ये दशा और दिशा तय करेंगे, हाँ, तो राष्ट्रवाद एक तरफ और जो जातिवादी आधार पर बांटना चाहते हैं वो दूसरी तरफ। मैं पूछना चाहता हूँ, आज देखिए आपके ऑडियंस में 11 महिलाएँ बैठी हैं, मर्दों से ज़्यादा महिलाएँ हैं, अगर ये सच में निषाद समाज, दलित समाज, पिछड़े समाज के हितैषी है, तो मोहित खान नाम के एक व्यक्ति ने एक 12 साल की निषाद बच्ची का रेप कर दिया, तो इन्होंने क्या कहा, बच्ची का डीएनए टेस्ट कराओ। और जब मोहित खान के घर पर बुलडोजर चला तो ये छाती, कुर्ते, धोती सब फाड़ने लग गए, तो बताइए कि ये असलियत में अगर पिछड़े समाज के साथ है। दूसरी बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है जो आरक्षण जम्मू कश्मीर में दलित समाज को मिलता है, 370 हटने के बाद लाल चौक तक तिरंगा भी लहराता है, पर वहां पर आरक्षण पहली बार मिलने लगा, तो 370
पर हम बहाल करेंगे, ये इनके साथी ने कहा है। अब इनसे स्पेसिफिकली पूछे क्या वो चाहते हैं कि वहां पे आरक्षण खत्म हो जाए। और आखिरी बात, देखिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इनसे केवल एक ही चीज पूछिए कि अगर ये सही मायनों में अपने मुद्दों पर अडिग है, तो जब कांग्रेस पार्टी ने इतने वर्षों तक जो मंडल कमीशन के आयोग को लागू नहीं किया, तो आज किसके साथ खड़े हैं वो? कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े। दूसरी तरफ वो है जो राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं, पूरे देश को एक बनने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है एक तरफ राष्ट्रवाद और एक तरफ जाति। मैं सवाल हिंदुत्व पे पूछ रही हूँ, आप राष्ट्रवाद कह रहे हैं, क्या हिंदुत्व इज इक्वल टू राष्ट्रवाद? मैं राजकुमार भाटी कह सकता हूँ, हिंदुत्व और हिंदू और हिंदू समाज राष्ट्रवादी नहीं है क्या? ये हिंदू है इसीलिए इस देश में राष्ट्रवाद है, ये हिंदू है इसीलिए इस देश में लोकतंत्र है, और ये हिंदू है इसीलिए देश सेक्युलर है। अगर मैं झूठ बोल, देखिए अब देखिए विवेक जी तुरंत इस पे अपोज करना शुरू कर दिया, एक धर्म देखिए तुरंत शुरू कर दिया अपोज करना, सारे धर्म एक समान है, सभी धर्मों हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू का मतलब है जो भी इस देश में रहता है वो हिंदू है, जीवन शैली का नाम सनातन बन जाते हैं। पर देखिए ये हिंदू को गाली देना शुरू कर दिया, इनकी परिभाषा रोज बदल जाती है, ये बेसिकली कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मेरी अपील है, सारी जातियों ने सारे धर्मों ने कंट्रीब्यूट किया है और सभी राष्ट्रवादी हैं। इस देश का नाम हिंदुस्तान है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान, तो हिंदू ही है। बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है। जाके मतलब हिंदुओं को किस प्रकार से करना है, चल यही इनकी मंशा है, और इसलिए जिन्ना वाली आत्मा है। चलिए अब मैं राजकुमार भाटी जी आपसे पूछूंगी, ये जिन्ना की बात कहां से आई? जिन्ना मतलब विभाजनकारी, क्या जातियों की बात करना विभाजनकारी रणनीति है, राजनीति है, और क्या इससे देश का भला होगा? क्योंकि अगर आपको जातियों का और जातियों को सशक्त करने का इतना बड़ा प्लान था, तो जिन राज्यों में जाति जनगणना हो चुकी है वहां तो आपने उजागर किया नहीं। तो ये जाति का जो कार्ड लेकर आप बार बार आते हैं, जाति की अपलिफ्टमेंट आप चाहते हैं पूरे देश में, लेकिन 370 वापस चाहते हैं जम्मू और कश्मीर में, जहां जाति जो पिछड़ी जातियां थी उनको कोई मानता ही नहीं था। तो मुझे ये बता दीजिए कि पैन इंडिया पूरे देश के हिसाब से जाति जनगणना सिर्फ एक राजनीतिक कार्ड है जिसे आप खेलना चाहते हैं वोटों के लिए? नहीं, पहला सवाल, पहला जो आपने बात कही कि जाति का मुद्दा हम उठाते हैं, हम नहीं उठा रहे खाली, ये मुद्दा सैकड़ों साल से उठा हुआ है जी। कुछ जातियों के साथ ये हर जो सजग व्यक्ति होगा, जो जागरूक व्यक्ति होगा, जो बुद्धिजीवी होगा, जिसे जानकारी होगी, वो सब मानेंगे कि हमारी दुर्भाग्य से हमारी सामाजिक व्यवस्था में कुछ लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, उन्हें सत्ता से, संपत्ति से, सम्मान से, शिक्षा से वंचित रखा गया है, जान पूछ कर वंचित रखा गया है। उन लोगों के हक की बात करना, उन्हें बराबरी में लाने की बात करना आज हम नहीं कह रहे, ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी कह रहे थे, उनसे पहले ज्योतिराव फुले भी कह रहे थे, उनसे पहले पेरियार भी कह रहे थे, ये हमारा संविधान भी कहता है, हमारा संविधान व्यवस्था करता है कि पिछड़े, दलित और आदिवासियों को बराबरी में लाने के लिए उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाएँ, उनके लिए विशेष सुविधाएँ दी जाएँ, शिक्षा में भी और नौकरियों में भी और राजनीति में भी। उन योजनाओं को लागू नहीं किया गया है, उनका लाभ इन वर्गों को नहीं पहुंचा है। हम इसलिए ये कहते हैं कि एक बार ये सर्वे हो जाए कि उनकी आबादी कितनी है और शिक्षा, संपत्ति, सत्ता में वो कितने प्रतिशत हैं, अगर वो कम हैं तो उन्हें बराबरी में लाने के लिए प्रावधान किए जाएं। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की विरोधी है, तो भारतीय जनता पार्टी आज कानून लेके आए कि इस देश में किसी को भी जाति बताने पे और जाति पूछने पे दंडित किया जाएगा, जाति व्यवस्था को खत्म कर दें। आप जब बच्चे को एडमिशन दिलाने जाते हैं नर्सरी में, सबसे पहले कॉलम में लिखा जाता है धर्म, फिर जाति, कैसे जातिवाद खत्म होगा? तीसरी बात जो इन्होंने कहा कि तो फिर राहुल गांधी की जाति जब पार्लियामेंट में पूछी गई थी तो अखिलेश यादव एकदम उचक कर खड़े क्यों हो गए थे? वहां जाति पूछना गाली है, बाहर जाति पूछना सही है। भैया देश को एक चीज क्यों नहीं बताते हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कि जाति पूछना सही है या गलत है, या राहुल गांधी की जाति पूछना गलत है, बाकियों की जाति पूछना सही है, ये माजरा है क्या?
नविका जी, देखिए पहली बात तो ये कि जाति समाज की सच्चाई है, और यहाँ मैं भाटी जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस देश में ये व्यवस्था करनी चाहिए कि जाति के आधार पर कुछ ना हो और ये कानून बनना चाहिए। मैं भाटी जी से पूर्णतः सहमत हूँ, अगर आपको आधुनिक समाज बनाना है तो आप उस व्यवस्था पर नहीं चल सकते। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, जातीय गर्व होना, जातीय पहचान होना, जाति के आधार पर जो पीछे रह गया उसको हिस्सेदारी देना एक चीज है, जाति के आधार पर किसी से घृणा करना, नफरत करना, जहर फैलाना वो दूसरी चीज है, और तीसरी चीज उससे आगे की है जो योगी कर रहे हैं। नहीं, तीसरी जो अग्रेसिव हिंदुत्व है, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं। लेकिन आप सोचिए जरा, जब खतरनाक हो जाता है, जब कोई ये कहता है कि जाति का अपराधी है तो उसके साथ खड़े हो जाओ, जब कोई ये कहने लगता है, जब कमलेश सिंह प्रधान का घर टूटेगा बुलडोजर से योगी जी तोड़ेंगे, तब तो कोई नहीं कहेगा ठाकुर का घर तोड़ दिया। जब आजमगढ़ में मुख्तार के करीबी शार्प शूटर ठाकुर का घर टूटेगा तब नहीं कहेंगे। जब आदित्य राणा का 2023 अप्रैल में बिजनौर में एनकाउंटर हुआ तब नहीं कहेंगे कि ठाकुर को क्यों मरवा दिया। लेकिन जैसे ही कोई मंगेश यादव का एनकाउंटर होगा, और तो और विकास दुबे का एनकाउंटर होता है तब भी कहते हैं योगी ने मरवा दिया, तब ब्राह्मण का विरोध। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। और जो सबसे जरूरी बात है, अगर आप ये कह रहे हैं कि जातियों को सम्मान मिले, जातियों को उनका हिस्सा मिले, तो निश्चित तौर पर मिले। तो जब ये कहा जाता है कि भाई जिनको हिस्सा मिल गया, जैसे ब्राह्मण ठाकुर को हिस्सा मिला, वैसे दूसरी भी कुछ जातियां होंगी 75 साल में ना, उनको भी हिस्सा मिले। और इसीलिए जब योगी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये सच है, इसमें कोई कम्युनल एंगल को अगर कोई देखता है तो इसका मतलब कि वो गलत बात कर रहा है। या तो आप इधर बोलिए या तो उधर बोलिए, दोनों के बीच में कैसे पांव रखे चलेंगे? एक तरफ तो आप कहेंगे हम जाति-जाति बात करेंगे, दूसरी तरफ ये बात करेंगे। और मैं अजय वर्मा जी आपसे यही पूछना चाहती हूं, सब मिलकर कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, अगर योगी ने कह दिया तो ये कम्युनल भाषा है। अरे भैया, बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मुड़ जाएगा 2027 में, ये कौन सी भाषा है? इसमें कोई गलती नहीं नजर आती। योगी बुलडोजर चलाए तो मुश्किल, अखिलेश जी कहे 2027 में गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का मुंह हो जाएगा तो वो सही। देखिए, सबके कहने में, और योगी जी एक संवैधानिक पद पर हैं और देश के सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, बटेंगे तो कटेंगे कोई संवैधानिक भाषा नहीं है, और कौन कहता है, इसलिए ये देखना चाहिए कि कहने वाला कौन है। और नाविका जी, आप तो मातृत्व की पहचान है, महिला शक्ति हैं, आज एक देश संसार की महिला शक्ति ने हमारी पार्टी देश में ज्वाइन करी, विनेश फोगाट ने, जब उसको दिल्ली की सड़कों पे देश का जब मेडल लाई थी तो पोडियम पे फोटो खींचता था, और जब उसको हक मांगा गया उस बलात्कारी लोगों से और उन लोगों से जो मोलेस्टेशन के लिए दोषी थे, तो उसके ऊपर पुलिस ने लाठी मारी गई और उसके साथ पूरे देश ने करा, लेकिन ये भाजपा के लोग उसके साथ थे नहीं। तो ये कैसे चरित्रवान वाली पार्टी और कहते हैं देश हित की पार्टी करते हैं। 2014 में मैं ये सहजाद पूनावाला जी हैं जो देश को चूना मोदी जी ने लगाया, किस चीज़ का? 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख आएंगे, चप्पल वाला जहाज में जाएगा, अमीर गरीब हो जाएगा, तो वो चूना ऐसा है। सहजाद जी देखो, उतर गया वो चूना। और मेरा आपसे अनुरोध है नाविका जी कि मातृत्व की कुछ शक्ति आप सरकार के साथ तो बांटती हैं, अपोजिशन के साथ के लोगों की भी बातें, अपोजिशन में भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको हाथों पर सिर पर उठाकर विनेश की तरह ले जाएंगे और संसार में आप। खैर, मुझे अगर ऊपर उठना होगा मैं खुद उठ लूंगी, मुझे कतई भी सहारे की जरूरत नहीं है, तो कम से कम नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी आप मुझ पर भी कर रहे हैं और शहजाद पर भी कर रहे हैं। शहजाद बोलेंगे क्योंकि व्यक्तिगत आप किसी के भी नाम को, आप किसी के नाम के साथ ये कहेंगे तो गलत बात है। शहजाद जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मुझे तो गर्व है कि मुझे चूना वाला के साथ जोड़ा गया, क्योंकि चूना लगाने का काम गरीब लोग करते हैं, ओबीसी समाज से आने वाले लोग करते हैं घर में। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपको जो घर में पेंटिंग से पहले चूना लगाने का काम करते हैं उसमें आपको फ्रॉड ही नजर आएगा। और आपको राहुल गांधी में जो है, राहुल गांधी की वैसे जाति क्या है मुझे एक बार बताइए? फिरोज गांधी जो कि एक सेकंड जो पारसी थे, पारसी से जो निकले, बीच में बोलना है नाविका, मैंने तो सब बातें सुनी, मेरे पे व्यक्तिगत हमला हुआ, आपको समय दूंगी। मेरे पिता के नाम पर हमला किया गया तब भी मैंने सुना, पर मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। अब इतनी क्यों आपको उलझन हो रही है? भाई, राहुल गांधी जी की जाति तो वैसे पूछी नहीं गई थी, पर राहुल गांधी जी के जो समर्थक
समर्थक यहां पे है वो ये बताए कि जब दादा पारसी होता है तो पारसी दादा से आज कौल ब्राह्मण कैसे निकला वो जरा हमको बता दे, हम तो मुसलमान ठहरे, हमको तो पता नहीं, मैं तो चूना वाला हूं पूना वाला हूं। चलिए छोड़िए, आज केवल विनेश फोगाट की एंट्री नहीं हुई, एक और व्यक्ति की एंट्री भी सुनिए क्या कहते हैं वो। ऐसी चीजों में भरोसा मत करो जो चीजें आपको नुकसान पहुंचाती हो। एक बार बताइए, अगर कहीं मंदिर में जाने से हमारे लोगों की हत्या होती हो, मंदिर में जाने से हमारे लोगों की हत्या होती है, बलात्कार होता है, ये राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, जिसको आज कांग्रेस पार्टी ने सह सम्मानित उनको लिया है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी ये कहेंगे कि मस्जिदों में बलात्कार होता है? मंदिरों में तो बोल दिया बलात्कार होता है, राहुल गांधी ने यह भी बोला था कि लड़की छोटे वो मंदिर जाते हैं। और आखिरी बात, तीसरी बात भी सुन लीजिए ना, ये आरक्षण और पिछड़ी जातियों की बड़ी बातें कर रहे थे, मैंने साफ साफ पूछा जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज को पहली बार आरक्षण मिला है, एनसी बोलती है हम हटा देंगे, कांग्रेस बोलती है हम हटा देंगे, उस पर स्टैंड क्या है? कुछ नहीं बोला। मोहित खान ने बलात्कार किया बच्ची का, जो पिछड़ी समाज से है उसके ऊपर क्या स्टैंड है? मोहित खान को निकालेंगे? कुछ नहीं बोला, केवल इधर उधर की बातें कर ली है। और आखिरी बात, हिंदुओं में तो जाति जनगणना हो, मुस्लिम समाज में जाति जनगणना होनी चाहिए? पूछिए विवेक श्रीवास्तव से। मुबारकबाद हमारी और भाटी जी की तरफ से हरियाणा जीतने के लिए। अब हरियाणा आप जीत रहे हैं, इसलिए पहले तो ताली बजाओ भाई। अजय विवेक जी ने 1924 की मुबारकबाद दी, बसा नहीं मांगने वाले पहले आ गए। जो कर रहे हैं ना आप ये मत कीजिए, कम्युनिस्ट जब ये करते हैं तो उल्टा ही होता है, ये मत कीजिए। आप डब्बा लेकर नजर लगा देंगे भैया, नजर लगा देंगे, लेकिन सवाल नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं सवाल पूछती हूँ योगी आदित्यनाथ पे, सब लोग इधर उधर, यूपी यूपी से शुरुआत हुई, हरियाणा चले गए, यहाँ चले गए। अरे भैया, मैं विवेक जी आपके अलायंस के पार्टनर हैं, उन्हें भी समय दे दीजिए। मैं सवाल पूछ रही हूँ योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक जो बैटिंग की है जी, वो भारी पड़ रही है अखिलेश जी पर क्या? देखिए, ऐसी बैटिंग करी है कि 2024 में ये हो गए ओपनिंग बैट्समैन। ये बजाओ ताली भाई, इतने ज्यादा सीटें लेकर समाजवादी पार्टी आई है, तो ऐसी बैटिंग करी उन्होंने कि भाई वो क्लीन बोल्ड ही हो गए। नहीं नहीं, अभी आप रुकिए, पहले स्थिति बन चुकी है, अभी आगे मिलने से वाला है, ताली भी मंगवा रहे हैं, ताली मारी ताली मारी, वोट तो बनने से रहे, अच्छा रिजल्ट आया, वोट तो मिलने से रहे। अबे देखो, यू शुड हैव अ बिग हार्ट, ऐसा मत बजाओ, तुम ऐसे बजाओ। किन्नर समाज हमारे देश का, हमने तो किन्नर अखाड़ा को भी मान्यता दी है, हमारे देश में किन्नर समाज बहुत ही सम्मानित समाज है। यदि राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी किन्नर समाज का यहाँ पर अपमान कर रही है तो बिल्कुल मुद्दे पर वापस मैं पूछ रही हूँ, आज अखिलेश यादव को 2027 की पहले जल्दी हो गई, 10 सीटों पर बाई इलेक्शन है, 10 सीटों में इतना पसीना क्यों? देखिए मैडम, सबसे पहली चीज है जो डिबेट का विषय था, बुलडोजर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से तगड़ी फटकार लगी है, 17 सितंबर को गाइडलाइन आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजें कही हैं, पहले सुन लीजिए बुलडोजर बाबा के बारे में। पहली चीज, अगर इल्लीगल आपने कुछ बनाया है उसके ऊपर तोड़ रही है कोई भी सरकार, कोर्ट कह रहा है सही है, आप जरूर तोड़िए साहब इल्लीगल। लेकिन जहांगीरपुरी के अंदर जब यहां हनुमान जयंती के दिन दंगे हो रहे थे और मस्जिद को घेर लिया था और डीजे बजा रहे थे, तो अचानक एमसीडी के बुलडोजर प्रकट हो गए और तोड़ने लगे साहब माइनॉरिटी कम्युनिटी की दुकानें। किसकी दुकानें तोड़ रहे थे? पंचर वाला, जूस वाला, कबाड़ी वाला और बीजेपी वाली एमसीडी, जो 30 साल से बीजेपी वहां सत्ता में थी, क्या नहीं तोड़ पाती है? सैनिक फार्म, छतरपुर के फार्म हाउसेस, छतरपुर से जाइए गुड़गांव की तरफ, दोनों तरफ अतिक्रमण, और यही चीज यूपी में हो रही है। ये मैसेज देना चाहते थे, जब पहली बार योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए तो कास्ट स्लॉटर हाउसेस की ऐसी की तैसी कर दूंगा, यही भाषा का प्रयोग था। और उसके बाद जाकर के हर स्लॉटर हाउस की चेकिंग हुई, किसी की अगर दीवार 1 फुट भी है तो आप उसको सील करके तोड़ रहे थे, बाद में पता चला इसको करने से जनता कुछ ज्यादा इंप्रेस हुई नहीं, तो उसके बाद बाबा का बुलडोजर। नाविका जी, एक व्यक्ति था जिसने एक 8 साल की बच्ची के बलात्कार का समर्थन किया था, समाजवादी पार्टी के लोग हंस सकते हैं, ये जो समाजवादी पार्टी के लोग लाए हैं वो हंस रहे हैं। देखिए, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं नाविका जी, प्लीज कृपया करके कंट्रोल करवाइए, मुझे लगता है कि ऐसे ठीक नहीं। 8 साल की बच्ची का बलात्कार करने वाला व्यक्ति, उसके समर्थन में उतरने वाले मंत्री को हमने तो भाजपा से हटा दिया, उस व्यक्ति को प्रियंका वाड्रा ने न केवल टिकट दिया,
वो चुनाव लड़ा, बल्कि वो स्टार प्रचारक बना है कांग्रेस पार्टी का, उस पर एक जवाब नहीं देंगे, और वो बच्ची मुस्लिम समाज से थी। मोहित खान पर एक जवाब नहीं देंगे। आरक्षण खत्म कर देंगे एनसी और कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर, उस पर एक जवाब नहीं देंगे। मुस्लिम जातियों में, मुस्लिम समाज में कासन, मैं मेरी बात तो हो जाने दीजिए, दोनों बात हो जाने दीजिए, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं नहीं, अनएंडिंग भी नहीं हो सकता। आप अपनी बात, आप कितना इंटरप्ट, आप 10 सेकंड में बात करें। मुस्लिम समाज में जाति जनगणना हो, इसका जवाब नहीं। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, मैं आखिरी बात पूछना चाहता हूं। देखिए, अब मैं सिर्फ एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अभी जो देखिए, जो इन्होंने बार बार गलत पन्ना खुला हुआ है, पन्ना पलट लो, भूल गए। देखिए नाविका जी, मैं चले, नाविका जी मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए डिबेट अगर हो रही है तो ठीक है। सवाल मुझे अपनी बात पूरी करने का अधिकार होना चाहिए। अगर महिलाओं की बात हो रही है, उसी पे बात करो। नाविका जी, मेरी बात को बार बार महिलाओं की, अगर महिलाओं की बात, दिस इज नॉट फेयर। मैं सीरियसली, आई विल कंप्लीट व्हाट आई हैव टू से, दिस इज नॉट राइट, आई डोंट इंटरप्ट एनीबॉडी। मैं किसी को इंटरप्ट नहीं कर, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए, फिर मैं इधर से सवाल लेती हूँ। नाविका जी देखिए, मैं लगातार पूछ रहा हूं सवाल कि मुस्लिम समाज में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसका स्पेसिफिक जवाब वो देंगे नहीं देंगे। और इन्होंने बोला संवैधानिक पद पर एक व्यक्ति ने, जो योगी आदित्यनाथ जी ने सांप्रदायिक बात की। कल जो हमने देखा है विधानसभा में, अनिरुद्ध सिंह है कांग्रेस पार्टी के, वो कहते हैं कि मस्जिद अवैध है और उधर लव जिहाद हो रहा है हिमाचल में। अब मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के मंत्री को सैक करना चाहिए क्या? वो असंवैधानिक बोल रहे थे या सही बोल रहे थे? ठीक है, पहले वो बोल दे, फिर आपके पास मैं बोल देता हूं। अजय भाई आपकी तरफ से पहली चीज, ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं है। कांग्रेस के मंत्री आधिकारिक नहीं है, मंत्री आधिकारिक नहीं है। मंत्री का बयान असेंबली के अंदर मिनिस्टर के तौर पर आधिकारिक नहीं है। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में कम्युनल डिसहारमोनी की जगह नहीं है। मंदिर माफ कीजिएगा, ये आपका जो आर्ग्यूमेंट है ये बिल्कुल कहीं खड़ा होता है? असेंबली के अंदर मंत्री बोल रहा है, कह रहे हैं अधिकारित नहीं है। विवेक जी, मैं नहीं जानता हूँ कम्युनिस्ट पार्टी में भी किसी पद पर है नहीं, ये कांग्रेस का भी जिम्मा ले रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह वहां सरकार में मंत्री हैं, आज वो विक्रमादित्य को लेकर भी गए और उन्होंने कहा कि ये अवैध मस्जिद बनी हुई है, हम इसको तोड़ेंगे, जो कानूनी कार्रवाई होगी करेंगे। बाहर के लोग आकर पहाड़ का जो एटमॉस्फियर है खराब कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो सब बोला हुआ उन्होंने। और एक चीज मुझे जो बहुत बुरी लगी, कांग्रेस के लोग क्या धमकी के अंदाज में आ गए? वो बता रहे हैं कि नविका जी आप भी जरा हमारे पक्ष में बोलिए तो हम आपको भी विनेश की तरह सर पर बिठा घूमेंगे। कांग्रेस को जरा एक गलतफहमी दूर होनी चाहिए, ये जो स्वतंत्र भारत में एक कांग्रेस पार्टी की है कि पत्रकार हो या सब उनके पक्ष में बोलें और वो उस हिसाब से करेंगे, ये धमकी वाली और प्रशंसा वाली मुझे लगता है, उसकी जरूरत मुझे लगता है हम बिल्कुल डिबेट से भटक रहे हैं, क्योंकि आपके पास डिबेट में जवाब है ही नहीं। अजय वर्मा जी मैं सवाल पूछ रही हूं, योगी आदित्यनाथ पर अगर बुलडोजर कर दिया जाए तो क्या ये सही है? जवाब है 30 सेकंड में जवाब। इससे पहले भाई बलात्कार की बात कर रहे थे, बेटी की बात कर रहे थे। देखिए सबसे पहले तो मैं निंदा करता हूं कि ये बलात्कार के ऊपर राजनीति ना करें, और फिर बलात्कारियों में भी ये जाति बांटने की, हिंदू मुस्लिम क्या मतलब है? अभी आज बाबा महाकाल की धरती पर उज्जैन में, बीच में ना बोले प्लीज, मैं आपके बीच में आज बाबा महाकाल की धरती पर बलात्कार हो रहा था, मरने वाले भी यादव पुलिस वाले थे, तो वहां पर उनको जाति नजर आ गई, लोग वहां वीडियो बना रहे थे, कितनी शर्मनाक और दूषित। उससे पहले बाबा विश्वनाथ की नगरी को दूषित किया भाजपा आईटी सेल के तीन, बाबा विश्वनाथ पांडेय बनारस, बाबा विश्वनाथ की नगरी को दूषित करा, मक्का मदीना के बारे में बोल सकते हैं, मक्का मदीना के बारे में बोल सकते हैं, आईटी सेल मक्का मदीना, मैं आज नहीं बोले उन पर बुलडोजर नहीं चला, अब मैं बाबा के बुलडोजर की बात कर रहा हूँ। राजेंद्र पाल गौतम को लिया मंदिर में बलात्कार होते हैं, उस पर एक जवाब मैं आज यहाँ इतनी नहीं। अजय वर्मा जी, अगर आपको लगता है आप ऊंचा बोल सकते हैं, मैं आपसे बहुत ऊंचा बोल सकती हूँ, मुझे माइक की भी जरूरत नहीं है। और मैं आज यहाँ बैठी महिलाओं से पूछना चाहती हूँ, इस देश में बलात्कार पर न्याय होता है या राजनीति? सिंपल सा सब राजनीति हो रही है। कौन कर रहा है, कौन करता है ये भी बता दीजिए, क्या एक पार्टी करती है या सब लीडर करते हैं? सभी राजनेता सब करते हैं, ये जनता कह रही है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ राजकुमार भाटी, राजनीति के लिए कई टॉपिक हैं, अब राजनीति का टॉपिक तो ये भी निकाला गया है
जो अखिलेश जी ने निकाला कि योगी जी को अलग पार्टी बनानी पड़ेगी, भारत जोगी पार्टी। भाई ये कहाँ से, अपनी पार्टी में संभाल लीजिए चाचा भतीजा, तो बाहर की पार्टी में आपको कैसे इतना ज्ञान है। योगी जी ने अपने संगठन से 2007 में प्रत्याशी लड़ाए थे, 2012 में प्रत्याशी लड़ाए थे, एक प्रत्याशी था उनके बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी को हरा के चुनाव जीता भी था, हिंदू यवहानी के झंडे पे वो चुनाव लड़ाते थे। योगी आदित्यनाथ जी समाज भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता कभी नहीं रहे। 2017 में उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए था ही नहीं, मुख्यमंत्री पद की शपथ तो किसी और को दिलवाई जा रही थी। किसको दिलवाई जा रही थी बता दीजिए? मनोज सिन्हा को। पूजा भी कर चुके थे, सारे मीडिया को पता है, पूरे देश को पता है, और पता नाविका जो की नाविका जी को भी है, पर वो तो इंटरनल मामला है, इनको कैसे पता? बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत जानकारी रखती हैं, पता आपको भी है और आपकी मुस्कुराहट बता रही है। समाजवादी पार्टी के अंदर जो हो रहा है वो भी पता है। योगी आदित्यनाथ ने अंदर हो रहा है, 10 सेकंड की बात है, आपकी बात है, योगी आदित्यनाथ ने पार्टी मेरे नहीं, नाविका जी, नाविका जी थोड़ा सा समय, योगी आदित्यनाथ जी ने धमकी दी थी पार्टी तोड़ दूंगा, धमकी के आगे झुक के उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। आज भी दोनों उप मुख्यमंत्री उनके, योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मीटिंग बुलाते हैं, उप मुख्यमंत्री उड़ के हवा से दिल्ली आ जाते हैं। तो ये इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, किसी भी पार्टी बना सकते हैं? मुझे लगता है शहजाद पूनावाला नए अखबारें भिजवा दीजिए इनके घर, एक सवाल, नए टीवी चैनल, क्योंकि ये पुरानी बात बता रहे हैं। इनसे पूछा अजय जी से, वो आपको मुझसे पूछना चाहिए था, मैं उसका जवाब भी दूंगा। मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं, पहले इसका जवाब। ऐसा है, वैसे तो एक कहावत है, झाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिखे तिन तैसी, जो अपने अब्बाजान के हाथ से माइक छीन ले मंच से, उनको तो हर जगह पार्टी टूटती हुई नजर आएगी। इनके तो वही संस्कार है कि अब्बाजान के हाथ से भरे मंच से धक्का मार के 60-70 वर्ष के एक व्यक्ति को अपना माइक छीन लिया। अब मैंने नाम नहीं लिया, पर विवेक जी और समाजवादी पार्टी के चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई नजर आती है, तो खुश है कि औरंगजेब के बाद अपने अब्बाजान के हाथ से माइक छीनने का काम अगर किसी ने किया तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हम आपका शुक्रिया करते हैं कि अखिलेश जी के अब्बा जान को आपकी सरकार ने सम्मानित किया। बात ये है, हम शुक्रिया अदा करते हैं विवेक जी, कम से कम मैं तो, आपने देखे शुरुआत में राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने, प्रधानमंत्री आ जाए, गवर्नर आ जाए, वोटिंग सेशन में सब हटा दिए जाते हैं। आपने शुरुआत में, आपने शुरुआत में हरियाणा में इंडिया अलायंस की सरकार को शुभकामनाएं भी दी। शुभकामनाएं नहीं, एडवांस कांग्रेचुलेशंस भी हैं। सुनिए सुनिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। दीपिंदर हुड्डा ने बोला है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का तो कोई अस्तित्व नहीं है, उनको तो हम एक सीट देने से रहे, तो आप लोग खुशियां मनाइए। हम तो अरे भैया देखो, हम तीनों, अरे भाई शासन ये भी है भाई, हम तो तीनों इकट्ठे भाटी जी, हम तो एक मिनट, विवेक जी और अजय जी, नहीं एक सेकंड रही है, फूट डालो शासन करो डिवाइड एंड रूल, वो तो आपके लिए, वो तो आपके लिए, क्योंकि आप जितनी सीटें जीते। सुनिए, हरियाणा कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की जरूरत है, क्योंकि सपा की, समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा, अब बना लो, अब पूछिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या दिक्कत है? चलिए, हमें कोई दिक्कत, हरियाणा, हरियाणा पे कांग्रेस का समर्थन, हरियाणा पे फिर किसी और दिन। आज उत्तर प्रदेश चलते हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राजकुमार भाटी जी का कहना है, अजय वर्मा जी आप तो मोहब्बत की दुकान है ना, जी जी। दुकान खोलिए, अभी ये बंद करिए। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिल्ली चले जाते हैं, ये पुरानी खबरों में क्यों अटके हुए हैं? क्योंकि उसके बाद तो ये सर्टिफिकेट साथ साथ दे रहे थे परसों, योगी जी और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जी, वो तस्वीरें ने किसी ने भिजवाई नहीं क्या? देखिए, राजकुमार भाटी जी की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी प्रत्याशी खड़ा किया था, और एक सीट पर गोरखपुर शहर की सीट पर जिताया भी था, जो आज राधा मोहन दास अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री। एक बात तो, दूसरी बात ये कि 5 बार के सांसद योगी जी भारतीय जनता पार्टी के,
और आज अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ के सामने कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो उनको लग रहा है भाजपा और योगी आदित्यनाथ अलग अलग हो जाए। योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में जहां पर खड़े हैं, अखिलेश यादव को लग रहा है कि यहां से आगे का रास्ता उनके लिए और मुश्किल हो रहा है। शायद यही वजह है कि उनको एनकाउंटर में भी जाति दिख रही, शायद यही वजह है कि उनको महिला से दुष्कर्म हो, बच्चे से दुष्कर्म हो, उसमें भी जाति हो रही है। और अमित शाह जी ये चाहते हैं, सबसे ज्यादा गड़बड़ बात है कि उसमें उनका साथ देने के लिए कांग्रेस नहीं आती। योगी जी के सामने अखिलेश जी का साथ देने के लिए कांग्रेस कभी नहीं आती है, और शायद उनको लग रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ तो शायद थोड़ा आगे निकल गए, तो अब अलग हो तो कुछ हो, लेकिन यहां तो भारतीय जनता पार्टी ना उनको अलग करने को तैयार है। क्या दो महीने चला सवाल चीफ मिनिस्टर का, वो वही के वही है। सवाल यही मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या अखिलेश यादव को जीतने के लिए उत्तर प्रदेश में 2027 में भाजपा को और योगी को अलग करना पड़ेगा? ये सवाल है। मैं भारत का वो किसान हूं जो आपकी डिबेट जो पूरे देश में दिखाई जाती है और डिबेट को सुनते हैं, और आपकी डिबेट मुद्दे पर सवाल, मुद्दे पर सवाल, मुद्दे पर सवाल करता हूं, मुद्दे पर सवाल। अभी चुनाव आया है, चुनाव में हर पार्टी जो है ना, जो डिबेट हो रही है, किसान के ऊपर कोई डिबेट नहीं है, किसान की कोई बात नहीं है। जब किसान के दर्द को नहीं समझोगे आप, इतनी बहस जो हो रही है इसमें एक बार भी मेरे देश के गरीब किसान का कहीं भी कोई पॉइंट उभर के नहीं आया। आप राजनीति पर लड़ते हो तो देश का जो अन्नदाता है उस पर भी कोई दो शब्द कह के उसके भी बहुत सही सवाल। भाटी जी, भाटी जी, मुझे वो कह रहे हैं कि किसान का मुद्दा नहीं उठते, किसानों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। 25,000 करोड़, अभी आप बोलने दीजिए, बीच में मत रोकिए, बैठ जाइए। 25,000 करोड़ बजट हुआ करता था, आज 1,25,000 करोड़ बजट है, जो 3,00,000 करोड़ एमएसपी देते थे, आज 11,00,000 करोड़ केवल धान और चावल के लिए, केवल धान और गेहूं के लिए, केवल धान और गेहूं के लिए दिया जाता है। सुनिए, और अनशन करके एजिटेशन करके किसानों का बिल वापस करवाया, प्रधानमंत्री को माफी मांगी। यार राजीव जी, ऐसे ही करना था तो पहले ही बताते ना, पहले वो अपनी बात कर ले, आपको आपको समय देंगे। शहजाद जी, शहजाद अजय वर्मा जी, डिसिप्लिन जो आपने सीखा नहीं 60 साल की सत्ता में, जब आता है किसानों पे मैं बात कहना चाहता नहीं, आपने सवाल पूछा पहले जवाब तो सुन ले, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई, 2014 तक लागू क्यों नहीं हुई, और जब लागू हुई तो स्वामीनाथन जी ने प्रेज भी किया मोदी जी को, और स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने का भी काम हमने किया, चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न देने का काम किया हमने, एग्रीकल्चर बजट बढ़ाया, और आज जिस प्रकार से एमएसपी हमने सब जगह बढ़ाया, 1200 किसानों की आत्महत्या कर्नाटका में हुई, एक शब्द नहीं बोलेंगे। पंजाब में आज पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाया, एक शब्द नहीं बोलेंगे। कर्नाटका में डीजल का भाव बढ़ाया, एक शब्द नहीं बोलेंगे। उससे किसी को किसान जो आंदोलन कर रहे थे उनको खालिस्तानी किसने बोला? एक सेकंड में उन्होंने बोला, उनको नक्सली किसने बोला? इन्होंने बोला। 800 किसान इन्होंने मारे, बैठे रहे, फिर प्रधानमंत्री आकर के हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, बिल वापस लेते हैं, किसानों को बलात्कारी कह दिया। हर चीज आप लोग तो जीत चुके हैं लेकिन बैठे अब भी विपक्ष में है, चक्कर क्या है, मर्ज क्या है भाई? आप तो ऐसे तीनों काले कानून की बात है ना, एक सेकंड, केरल में एपीएमसी लागू नहीं होता, कब कराओगे? हिंदुस्तान कब कराओगे? क्यों केरल किस बात का हिस्सा है? कहते हैं हिंदुस्तान की बात करिए, केरल हिंदुस्तान में नहीं है, कश्मीर हिंदुस्तान में नहीं है। सवाल सवाल ये है, बलात्कारी बता दिया रनौत पर, कंगना रनौत पर उनको जो बीजेपी से झाड़ पड़नी थी, पर उससे नहीं होना, वहां पहले रैपट मार दो किसी के गाल पे, अभी सॉरी बोल दो। मुझे लगता है कि अजय वर्मा जी झूठ बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, पूरा ये बंद कर दीजिए। कंगना रनौत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वहां पर लाशें थी, क्या उस दलित को नहीं मारा गया था सिंघू बॉर्डर पर? क्या किसान आर्मी के कैंप में क्या बलात्कार नहीं हुआ था? सभी किसानों को बलात्कार नहीं किया, और देखिए चिल्लाते हैं ना, आपके पास कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। बीजेपी ने खंडन कर दिया, बीजेपी ने खंडन कर दिया, तो ज्यादा बड़ा बीजेपी से खंडन कर दिया, आप तर्क नहीं है, ये किसी भी बात को आप बीजेपी खंडन कर रहे हैं। आप मैं आपको आप बलात्कारी कहने वाले को, आप भी किसान विरोधी पत्रकार, आप किसान विरोधी पत्रकार, इसका मतलब आपकी सोच नहीं चले, किसान हत्यारे और बलात्कार है, हत्यारे आपके कहने से सत्य नहीं बता जाता, आपके कहने से आप जैसे पत्रकार इस देश की समस्या को खत्म कर रहे हैं, सोशल फैब्रिक खत्म कर रहे हैं। अजय वर्मा जी, मैं आपको कह रही हूँ,
मैं आपको कह रही हूं कि आपसे ऊंचा बोलना मुझे भी आता है और मैं कोई भी इस तरह से मैं आपको जवाब देने का भी एक तरीका होता है, लेकिन लेकिन सवाल ये है, सवाल ये, और मैं आपसे पूछती हूँ अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अगर आपको ये डिबेट खुद ही करनी है मैं एक स्टैंड लगाती हूँ और हम लोग चलते हैं, आप अकेले खड़े होकर भाषण दीजिए। लेकिन एक शब्द बोल दूं, एक शब्द, क्योंकि जरूरी है। कंगना ने जो बोला उसकी बातों को इंटरप्रेट किया गया, हमने बोला कि हम इससे अलग है। कंगना के बारे में पर एक मंत्री ने कहा कि इसका मेकअप उतरेगा तो ये है या इसकी माँ नहीं समझ में आएगा। अब मुझे बताइए कि मंडी में एक सेकंड महिलाएं यहां पे बैठी हैं, कंगना का मेकअप उतरेगा तो पता नहीं चलेगा कि ये कंगना है या उसकी माँ है। ये कांग्रेस के मंत्री ने किया, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाले, अब बताइए कि उन्होंने एक कार्रवाई नहीं की, उन्होंने बोला सही बोला कंगना पे। और ये भी कहा गया मंडी में आजकल भाव क्या चल रहा है, ये कंगना रनौत के बारे में कहा गया। और ये बात करते हैं महिला महिला रक्षा की, एक मिनट अजय वर्मा, सवाल आपसे है, सवाल आपसे है कि इस तरह की भर्ती, इस तरह की भर्ती भारत की महिला महिला है, इसीलिए कटवा की महिला महिला नहीं है देश अजय जी, कर्नाटक की महिला प्रिंसिपल लेवल स्टूडियो में, इस स्टूडियो में ना मोदी के हाथ मजबूत करिए, स्टूडियो में मेरा डिसिप्लिन चलता है, 3000 वीडियो में अजय वर्मा जी, इस जब वो आपका सांसद था इस स्टूडियो में, नहीं माफ कीजिए, अगर पब्लिक का शो है तो पब्लिक सवाल पूछेगी और बीच में कोई नहीं बोलेगा, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि पब्लिक के सामने बोले। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी से किस लिए निकली, 8 लोगों ने उसके साथ अभद्र टिप्पणी की, अभद्र व्यवहार किया, सस्पेंड हुए और वापस आ गए। उसके बाद राधिका खेड़ा निकल गई, उसके बाद अंकिता दत्ता, कांग्रेस की बीवी श्रीनिवास पर आरोप लगाया था, अभी केरल में कास्टिंग। मैं कह रही हूँ कलकत्ता पर इस देश में आक्रोश इतना था, एक ट्वीट आया और कलकत्ता की बात कठुआ से जोड़कर ट्वीट आया राहुल गांधी का, और किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला। क्या ये इस देश के संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, इस देश के पब्लिक सेंटिमेंट के हिसाब से चल रहे हैं? मैं ये सवाल पूछती हूँ आपसे। मेरा सवाल है, ये हमारे भाई हैं बीजेपी के प्रवक्ता, आप मेरी तरफ बात कर रहे हैं ना, ये पूरी दिल्ली में देखा है कि बीजेपी कितना महिला को सम्मान करती है, पूरी मतलब पूरे हिंदुस्तान ने देखा है दिल्ली में कि बीजेपी क्या महिला को सम्मान करती है। मैं बात करता हूँ जो अभी हमारे भाई, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो ये जाति और धर्म की जो राजनीति हो रही है, मैं जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से एक जातियों को लेके धर्मों को लेके टारगेट किया जा रहा है, मैंने एक सोशल मीडिया पे सुना माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान कि एक घटना हो जाती है, उस घटना पे सदन में माननीय मुख्यमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, एक जाति को लेके टिप्पणी करते हैं कि ये लोग यादव हैं या ये लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, क्या भाषा है ये मुख्यमंत्री? चलिए जवाब भाषा है, जवाब सुनेंगे आप, जवाब सुनेंगे ना, जवाब सुन, हाँ जवाब सुनने, नहीं पहले पहले जवाब सुन। 2012 में समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था मुस्लिम आतंकियों को छोड़ेंगे, शुरुआत की थी अखिलेश यादव ने, और कोर्ट ने कहा था कि आज आपने आतंकी छोड़े तो कल पद्मश्री देंगे, तब आपकी जुबान पे नहीं आया आप जाति, नहीं सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए ना, क्यों मुस्लिम होगा तो आतंकी छोड़ देंगे आप, नहीं मुस्लिम होगा तो आतंकी छोड़ देंगे आप, और सुनिए भाई साहब, आप देख, आप सुन रहे हैं ना, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो आतंकवाद मानते हैं आप, मानते ना, नहीं मानते, नहीं मानते, मतलब देखिए हिंदू आतंकवाद होता है पर कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो आतंकवाद नहीं है, और यही दिखाता है ये किसके साथ आए हैं, किसके लिए सवाल पूछ रहे हैं, सवाल भाटी जी, पंडितों के साथ सवाल भाटी जी, मैं आपसे भी पूछूंगी, सवाल भाटी जी मैं आपसे भी पूछूंगी, जाति के हिसाब से नहीं, आपका एक सवाल हो गया, एक नहीं, एक कश्मीरी पंडितों के साथ आतंकवाद, लेडीज लेडीज फर्स्ट बताइए, कश्मीरी पंडितों के साथ आतंकवाद नहीं हुआ, मुझसे पूछो तो मैं बताऊं, जाति पे कह रही हूँ, जाति अब रही कहाँ है, देखिए मुस्लिम की बात करो, मुस्लिम के साथ अन्याय जातियों के साथ होते थे, उन्होंने ईमान लाए वो मुस्लिम बन गए, तो जाति व्यवस्था रही नहीं वहां, तो अब सुनिए एससी और एसटी उनको
स्पेशल प्रिविलेज दे दिया, वो सभी तो एक हैं, एससी एसटी सब तो एक है, उनमें ये थोड़े वाल्मीकि हैं या यादव हैं। अब आए बैकवर्ड, बैकवर्ड भी सब एक है क्योंकि बैकवर्ड है। और रहे ब्राह्मण, ब्राह्मण की तो ये हालत है, फिल्मों में देख लीजिए, बातों में देख लीजिए, ए पंडित इतनी बुरी तरह व्यवहार करते हैं जैसे हमने ब्राह्मणों ने ही, सुनो, ब्राह्मणों ने ही सारे देश को लूट लिया, हम ही खा गए। एक मिनट, अभी आएंगे। सवाल क्या है आपका? सवाल क्या है नाविका जी? अगला एक सवाल है, अभी कनागत आएंगे, आप पंडितों को ढूंढते फिरेंगे। एक अभी एड आया है, 40-50 हजार नौकरियां हैं जिसके अंदर सवर्ण सफाई कर्मचारी का काम करने को तैयार है। कहाँ है जाति व्यवस्था? सवाल 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 है, भाटी जी जवाब देंगे, भाटी जी जवाब देंगे। नहीं, बहन जी के सवाल में ही जवाब छिपा है। सवर्ण जातियां सफाई कर्मी का काम करने को तैयार है, यानी जुल्म हो गया। आप कुछ जातियों पे थोपना चाहते हैं ये काम भी जाति करेगी? जो सीवर में उतरते हैं, जो सीवर में उतरते 500 रुपए के लिए सीवर में कूद जाते हैं, उनमें से बहुत लोगों की मौत हो जाती है, वो एक ही जाति के लोग होते हैं, ये सबको पता है। और जो उनके साथ अत्याचार करते हैं अब दोनों, वो भी कुछ चुनिंदा जाति। इस देश में मैंने शुरू में भी कहा था, जातिवाद हमारा एक कोड है, बीमारी है, ये दूर होनी चाहिए। लेकिन ये तभी होगी जब पहले हम सबको समानता देंगे। कमाल है, जातिवाद कोड है लेकिन चाहिए जातिवाद। आपने क्या कोड ही चाहिए? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी के लिए भी सवर्ण जातियां नौकरी। तीनों लोग जो कर रहे हैं, आप तीनों लोग तय करके बोलने नहीं दे रहे। सफाई का काम क्यों नहीं कर सकते? मुझे बोलने, मैं मंदिर में पूजा क्यों नहीं कर सकता? मुझे बोलने तो देंगे? मैं पुजारी क्यों नहीं हो सकता? आप सफाई कर्मी क्यों नहीं हो सकते? पंडित को बोलने नहीं दे रहे? सारी जातियां बोलने नहीं दे रहे? एक बेचारा पंडित, अब मैं तो पत्रकार था, इन्होंने मुझे पंडित बना के भाटी बोलने नहीं दे रहे। और मैं मानता हूँ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बोल ले, मैं मानता हूँ भाटी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है, जो बहुत गंभीर सवाल उन्होंने पूछा। अब एक मिनट, उन्होंने कहा सवर्ण भी सफाई कर्मचारी की लाइन में लगा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो नहीं कर सकता। इसका मतलब आप समझिए, वो यही कह रही हैं कि जाति व्यवस्था का आज कोई मतलब नहीं है शहरों में। और मैं तो कहता हूं कि यहां जितनी सोसाइटी है जरा उसके सिक्योरिटी गार्ड खोज लीजिए। और क्या कहीं वो जो सीवर में उतरता है वो न भाटी होता है न त्रिपाठी होता है, क्योंकि भाटी के पास भी बहुत जमीन है और त्रिपाठी करता नहीं था। अब सब मशीन से होगा, किसी को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, किसी भी जात का व्यक्ति सीवर में उतरे। ये हमारे समाज पर धब्बा है, कलंक है, हर जाति को सम्मानजनक काम करने का अधिकार है। बिल्कुल। और मैं पूछना चाहती हूँ, जहर जहर को काटता है लेकिन कीचड़ कीचड़ को नहीं धो सकता। और विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा यही मानना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ हो तो जो जिस तरह के शब्दावली आती है कि जो अलग तरह के सोचने वाले फला ढिमका, अरे भाई तब तो आपको चिंता नहीं होती। लेकिन अगर जाति आ जाए, मंगेश यादव जिसे माफिया कहा जा रहा था, एनकाउंटर सही नहीं है, लेकिन एनकाउंटर को गलत कहिए तो आपको बहुत से एनकाउंटर को गलत कहना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ यादव के एनकाउंटर को गलत कहना क्या ये सही है? सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। देखिए, समाज के अंदर जो दलित है, जो पिछड़ा है, वो कमजोर है, ज्यादा अत्याचार इन्हीं कम्युनिटीज के खिलाफ होता है। जो सशक्त, वो समय गया नहीं है। और ये बेशक जितना मर्जी बैकग्राउंड बना ले शहजाद पूना वाला रिजर्वेशन के खिलाफ, इस देश में करण को सुन लीजिए, एक मिनट, इस देश में करण को सूद पुत्र कहा गया। सुनो, बात करिए, मेरी बारी है, श्रीवास्तव मेरी बारी है, विवेक श्रीवास्तव आप डिस्टर्ब मत करो। यही लोकसभा चुनाव में मत बोलिए, कम्युनिस्टों की बड़ी खराब आदत है, मत करिए। अरे आप बात बोलिए, आखिरी मेरे पास आखिरी 30 सेकंड, मेरे पास आखिरी 30 सेकंड है। शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। अरे हमें तो बोलने दीजिए, आप बोलना बंद कब कर रहे हैं हुजूर? पूरे शो में यही बोले। एससी एसटी समाज का उद्धार होना चाहिए ना। आप रिजर्वेशन के खिलाफ हैं?
लीजिए अब ये फिर अब मैं बोलूं अपनी बात पूरी। आपके एहसास से आपको ऐसे देश में जातिवाद था या नहीं? झूठ बहुत बोलते हैं। ये बैकग्राउंड जो बन रहा है नाविका, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। विवेक जी, विवेक जी, ओके आप बोलो जवाब। 30 सेकंड। SC ST के रिजर्वेशन को जामिया और AMU में खत्म किसने किया? ये मेरा उत्तर नहीं है। ने दिया। आप चाहते हैं रिजर्वेशन हटे या नहीं? उत्तर आपके हिसाब से नहीं आएगा। आप माफ कीजिएगा, आप देश को आप देश को भटकाएंगे, आप देश को भटकाएंगे तो देश भटकेगा नहीं। आपको कहने की आजादी है तो इनको भी कहने की आजादी है। सवाल सिर्फ इतना है, हम आज बेहतर हैं या कल बेहतर थे? महिलाएं यहां बैठी हैं, उत्तर प्रदेश आज आप महफूज फील करती हैं या पहले भी? क्या आज महफूज हैं आप उत्तर प्रदेश में? है, मैं पूछना चाहती हूं कि आम पब्लिक की राय में क्या ज्यादा जरूरी है, जाति या सेफ्टी? यही है आज सवाल पब्लिक का। आप राजनीति करिए, जरूर करिए, बांटिए मत, लोगों के काम आइए, अपने वोट बैंक मत पटाइए। आज सवाल पब्लिक का में बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद करती हूं। आप जुड़े हमारे साथ हर हफ्ते, नया टॉपिक, नई डिबेट और पब्लिक के सवाल।